ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला जिसमें हमें दे रखा था ए एंड बी किसी काम को कर रहे हैं 4 डेज में, ए अकेला 6 डेज में, तो बी कितने दिनों में करेगा। जैसे करते हैं हमेशा ए लेते हैं बी, ए हमें दे रखा है 6, बी हमें नहीं दे रखा उसे हम एक्स लेंगे। दोनों का एलसीएम ए, अच्छा बोल बताओ, ज्यादा बड़ा लग रहा है बराबर दे रखा है। अब हम रखेंगे और यूनिट्स को नीचे जो कि 4 के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। सबको क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट वाला? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस मैम। ठीक। और इसका आंसर आ जाएगा x is equals to 24/2, that is 12। ये था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, a b c 6 12 24, तीनों का एलसीएम, एलसीएम बताइए क्या आया, एलसीएम क्या आ रहा है निकाला किसी ने? मैम 24 आएगा। देखिए एलसीएम देख लीजिए, 6 12 24 का एलसीएम, ऐसी टेबल जिससे तीनों टेबल जाए, जिससे तीनों जाए, 6 1 6 6 2 12 और 6 4 24, देन उनसे भेजेंगे 2 1 2 2 2 4, 2 बचा, 1 as it is, 1 as it is, 2 1 2. तो देखिए 6 2 12 2 24, तो एलसीएम हमारा 24 आ रहा है। एलसीएम क्लियर है सबको? एलसीएम क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई। यस मैम। देखिए इसका एलसीएम आ गया 24। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 बने, बताइए। 4 यूनिट्स, 4 यानी कि एक जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 बने, 2 यूनिट। 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 1 1। ठीक है, कैसे करते थे, 24 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, तो आ जाएगा 24/7। अब मैंने कल आपको आंसर लिखवाया था इंप्रॉपर फॉर्म में, तो देखिए वो आंसर कैसे निकलेगा, वो आंसर लिखने का तरीका देख लीजिए। आंसर आ गया 24/7, ठीक है। अब इसको इंप्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 21 21। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो डिजिट साइड में रहेगी, ये वाली नीचे और ये, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ जी। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशंस। मैं बोलूं मैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। इसमें हमें दे रखा है इफ एक्स हमें दे रखा है ए वाई, ठीक, और वाई हमें दे रखा है बी एक्स, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देन
वन अपॉन ए प्लस वन एंड वन अपॉन बी प्लस वन की वैल्यू क्या होगी? हमें ये गिवन है, ये गिवन है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है हमसे, इसका आंसर ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? प्लीज रिप्लाई, ट्राई करेंगे आप लोग कि मैं बताऊं? ठीक है, ट्राई कीजिए। थोड़ा सा देखिए हिंट देती हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, कोई इजी होगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? ए इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ से ए की वैल्यू। ठीक, यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं बी की, क्योंकि हमें बी की नीड है, तो बी इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की पता चल गई, दोनों को उठा के इसमें पुट कर दीजिए। चलिए ट्राई कीजिए अब। चलिए मैं बताती हूँ ये किस तरह से होगा। हमने ए की और बी की वैल्यू सबको पता चल गई किस तरह से निकाली है, ए की और बी की वैल्यू एक्स जो हमें गिवन है उसी में से हमने ए की निकाल ली, ए की वैल्यू निकाली तो एक्स ऊपर आया वाई नीचे, बी की निकाली तो वाई ऊपर आया एक्स नीचे। अब सिंपल है, इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वन अपॉन ए प्लस वन दे रखा है, ए की वैल्यू एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई प्लस वन ये पुट कर दिया, वन अपॉन ए प्लस वन, देन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, बी की वैल्यू भी आई हमारे पास। इतना क्लियर है सबको ये स्टेप? सिंपल वैल्यू पुट करनी है इसमें, कुछ नहीं करना है। क्लियर है इतना? ठीक है ठीक है ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन एलसीएम ले लेंगे, यहाँ अपॉन में वन है, y और 1 का एलसीएम y ही आएगा तो नीचे y। अब y को y से डिवाइड करेंगे, एलसीएम भी तो आपको पता होगा इस तरह की इक्वेशन जो होती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। y को y से डिवाइड करा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई तो x ही रहा। 1 को y से डिवाइड करा y, और y को 1 से मल्टीप्लाई तो y, 1 अपॉन इतनी वैल्यू आ रही है। ऐसे ही अगला वाला सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन x एलसीएम रहा और y प्लस x। ये स्टेप बताइए सबको क्लियर है? ये सेकंड स्टेप सबको क्लियर है? हाँ। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो देखिए कैसे आ जाएगा फिर। ये आ जाएगा देन हमारे पास y अपॉन x प्लस y प्लस x, ऊपर चला गया x अपॉन y प्लस x, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा x प्लस वाई, और नीचे का जब सेम होता है तो ऊपर का पार्ट भी सेम हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा y प्लस x। x प्लस वाई, y प्लस x सेम वैल्यू है, दोनों कट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1। एक बार देख लीजिए सबको क्लियर है क्वेश्चन, जिसको जहां डाउट आ रहा है पूछिए। प्लीज रिप्लाई। ठीक है मैम। बड़े हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर टू। एक्स हमें दे रखा है सी वाई प्लस बी जेड, ये हमें वाई हमें दे रखा है
एक्स प्लस बी जेड, ए जेड, सॉरी ना ए है, ए जेड, और जेड हमें दे रखा है, जेड की हमें वैल्यू दे रखी है बी एक्स प्लस ए वाई। देन हमसे पूछा जा रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वन की हमें वैल्यू निकालनी है। अब आपको इसमें देखिए क्या करना है, जहां पे एक्स की वैल्यू दे रखी है वहां इसमें वाई पुट कर दो, इसमें एक्स पुट कर दो, इसमें एक्स पुट कर दो। ट्राई कीजिए, 2 मिनट है, फिर मैं बताऊंगी आपको। कर रहे हैं आप लोग ट्राई? ठीक है, करिए। यस मैम, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा हाँ, कर लीजिए कोई नहीं। मैम। ये ए बी की वैल्यू आएगी वो भी अपॉन में आएगी ना, जैसे बी की वैल्यू आएगी तो एक्स माइनस सी वाई अपॉन जेड आएगा। नहीं, आपको इस पूरी जब आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, एंड में जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी और इसके इक्वल्स टू में कुछ आएगा। की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैम? ए की वैल्यू डायरेक्टली मैं बता देती हूँ, ये मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। वाई लिया, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस ए जेड, इसमें सी एक्स है, एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, ये एक्स हमें दे रखा है, ये एक्स, इस एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी, सी बाहर रहेगा, एक्स की वैल्यू में दे रखी है सी वाई प्लस इतना बताइए सबको, क्लियर है? स्टेप मैम नहीं समझ में आया। क्लियर मैम। मैम लेफ्ट साइड ये वाई, एक मिनट, ये वाई दे रखा है, ये दिख रहा है सबको वाई? यस मैम। ये y में x दिख रहा है, ये सी एक्स प्लस ए जेड एक्स दिख रहा है। यस मैम। इस x में हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी जो हमें ये दे रखी है, देखिए y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए जेड, इसमें x ये दे रखा है, इस x की वैल्यू पुट कर दी जो ये हमें दे रखी है सी वाई प्लस बी जेड, सी वाई प्लस बी जेड। आया समझ? आया समझ? आ गया ना। इसमें देखिए इन दोनों में वाई कॉमन है, वाई वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, जेड वाली को एक साइड ले लेंगे, तो पहले हम वाई वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, वाई कॉमन आ, ये वन बचा, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जेड कॉमन है, जेड को बाहर ले लेंगे सी ई प्लस ए। ये स्टेप बताइए क्लियर है? मैम लेफ्ट साइड दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? किसी को नहीं दिख रहा क्या? मैम लेफ्ट साइड हाफ कट रहा है। देखना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मैम, दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना? चलिए बताइए, जहां तक क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। मैम ये वन माइनस सी स्क्वायर वन एक बार बताइए। मैंने बोला जिनमें सेम कॉमन टर्म आ रही है उसको एक साथ ले लेंगे, इसमें वाई कॉमन आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, वाई वाली टर्म को एक साइड ले लिया मैंने, मैंने ले लिया वाई माइनस सी स्क्वायर वाई को एक साइड, और दूसरी साइड में जेड कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें भी जेड इसमें भी जेड, इसको एक साइड रख लिया मैंने, एक साइड इसको रख लिया, तो आ गया सी डी जेड प्लस एक्स, इस तरह से करा है। अब यहां से मैंने y को कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया, y बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 बचा, 1,
यहाँ भी वाई बाहर है तो यहाँ बचा सी, यहाँ जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा सी बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? हाँ जी मैम। अभी हमने y की इक्वेशन उठाई थी, अब हम उठाएंगे z वाला पार्ट। ये z वाला z इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए, इसमें भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इधर भी हमने x की करी, उसमें भी x की इक्वल टू b, x हमें दे रखा है सी वाई प्लस बी जेड प्लस ए वाई। मैम आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आप ही शो, मतलब आपकी पिक शो हो रही है। सबको सबको यही प्रॉब्लम हो रही है क्या? अब आ गया मैम स्क्रीन। अब पहले हमने वाई वाली इक्वेशन दी थी, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करी थी, अब हमने जेड वाली इक्वेशन रखी है यहाँ पे, ये हमने जेड वाली इक्वेशन रखी है, ये z equals to bx plus ay, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी जो हमें दे रखी है c y plus b z, c y plus b z। अब की बार भी जिनमें कॉमन चीजें हैं उसको एक साइड ले लेंगे और जिसमें दूसरी कॉमन चीजें उसको एक साइड, देखिए z इधर भी है, z इधर भी है, इसको इधर ले आओ और जेड बाहर निकालेंगे तो वन माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि मैंने इस साइड करा था वन माइनस सी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे वन माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ बचेगा बी सी प्लस ए, ये और ये सब कुछ दिया है दोनों पार्ट, इसलिए माइक से शोर आ रहा है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो अपना, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। मैम ये अंकुश मैम, बोलिए मैम, ये अंकुश राणा से बोलो कि अपना माइक म्यूट करें। हाँ हाँ हाँ, जिसमें भी माइक से शोर आ रही है अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए प्लीज, पूछने के लिए ही आपका माइक ऑन होना चाहिए, बाकी ऑफ रहेगा। अब जिसको प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों पोर्शन में प्लीज बोलिए, और जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रही वो कुछ मत कहिए प्लीज। बताइए क्लियर है सबको, आगे बढ़े? मैम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ओके ओके ओके, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी जेड, ठीक, और दे रखा है y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए जेड और z इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस वाई, तीन चीजें दे रखी हैं और हमसे पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू निकालो, ठीक। तो हमने क्या काम करा, पहले हमने y उठाया, y यहाँ रखा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए जेड जो कि हमें गिवन है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी जो हमें x यहाँ दे रखा है, सी वाई प्लस बी जेड प्लस ए जेड, अंदर मल्टीप्लाई करी, जब भी ब्रैकेट होता है ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर वाई प्लस इसको करा मल्टीप्लाई, देन प्लस का साइन लग गया, तो c को जब हम bz से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी बी जेड, ए जेड एज इट इज उतरा, क्योंकि c की मल्टीप्लाई सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ है, इसके साथ नहीं है। देन जो चीजें कॉमन है हमने उसको एक साइड ले लिया, तो हमें दिख रहा है यहाँ भी y आ रहा है यहाँ भी y, इस c y c स्क्वायर y को हम इधर ले आए इसलिए ये नेगेटिव का हो गया, तो वहां से हमने y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा वन माइनस सी स्क्वायर, इधर से हमने z को बाहर निकाल लिया तो बचा सी बी प्लस ए। एज इट इज हमने सेकेंड पार्ट करा जिसमें हमने z में x की वैल्यू x में पुट करी है, यहाँ पे z वाली इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी इस तरह से, d इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी जेड प्लस ए वाई, देन मल्टीप्लाई करा इसको इससे करा फिर इसको इससे करा, तो आ जाएगा बी सी वाई प्लस बी स्क्वायर जेड प्लस ए वाई। अगेन हमने देखा जो चीजें कॉमन है उसको हम एक साइड ले लेंगे, जैसे इस वाले में लिया था, तो हमने इस वाले पार्ट को उठा के हम इधर ले आए, जब भी किसी एक पार्ट को इक्वल्स टू के अपोजिट साइड लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा जब ये यहाँ आएगा, तो और हमने जेड कॉमन ले लिया, देन हमने वाई लिया यहाँ से, वाई जब बाहर निकाला तो ये बचा बी सी प्लस ए। अब बताइए सबको क्लियर है, आगे बढ़ू?
जी मैम ठीक। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y कितना आएगा देखिए, y इक्वल्स टू 1 माइनस का b स्क्वायर, ये y की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, तो 1 माइनस b स्क्वायर z एज इट इज अपॉन में bc प्लस a, ये आ गई मेरी y की वैल्यू। समझ आई y की वैल्यू कैसे निकली? सिंपल, इस वाली इक्वेशन में से निकाल लिया, जो ऊपर आई इक्वेशन इसमें से y की वैल्यू निकाल ली, ये एस टेज ऊपर गया और ये अपॉन में आ गया bc प्लस a। आ गया सबको समझ? इतना आगे बढ़े ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठा के इधर पुट कर देते हैं, इस वाले y में, इस y की वैल्यू को इसमें उठा के पुट करेंगे इस वाले y के साथ। तो देखिए अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे y, 1 माइनस बी स्क्वायर जेड अपॉन बी सी प्लस ए ठीक है, और ये 1 माइनस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इसी के साथ, इक्वल्स टू सी बी प्लस ए। ये बताइए यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ये पार्ट? ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? बताइए प्लीज। यस यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके साथ ये जेड भी यही रह गया ठीक, ये जेड भी है इसके साथ। अब मैं इसको इधर करूंगी क्योंकि कैलकुलेशन मैंने समझ नहीं आएगी आपको। देखिए अब कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस ए जेड 1 माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी प्लस ए और जेड इक्वल्स टू, के इधर भी जेड दिख रहा है मुझे, इक्वल्स टू के इधर भी ये जेड से जेड काट दूंगी। समझ आया जेड से जेड क्यों काटा? समझ आया प्लीज रिप्लाई कीजिए। ठीक है ठीक है, अब सेकंड पार्ट अब मैं क्या करती हूँ इसमें, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का बी स्क्वायर 1 माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी चला जाएगा इसके पास, हो जाएगा सी बी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बात बताइए ये पार्ट क्लियर हुआ? सेकेंड लाइन क्लियर हुई सबको? सेकेंड लाइन क्लियर हुई ठीक yeah. yes, अब इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है अब इसमें, जैसे करते हैं पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ, माइनस सी स्क्वायर के साथ, तो माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर ठीक, देन माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का बी स्क्वायर, जब माइनस बी की पहले इसके साथ करी फिर माइनस बी स्क्वायर की इसके साथ करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये इतना सबको? क्लियर है बताइए प्लीज। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दे रखा है, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए ठीक है, दिख रहा है सबको ये पार्ट? अब ये दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, दोनों कैंसिल कट गए ये बिल्कुल। देन अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें हमसे पूछी जा रही थी इसकी वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू अब हमें निकालनी है ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, हमारे पास ए स्क्वायर ये दे रखा है, बी स्क्वायर को हम इधर की साइड ले आएंगे क्योंकि बी स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे। मैम ये अदर पार्ट में सी बी प्लस ए का होल स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है वहां पे ए बी प्लस ए का होल स्क्वायर है मैम? हाँ इसका होल स्क्वायर खोलो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैम ये सी बी
मैम ये सी बी है या ए बी है? सी बी सी बी सी 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 फॉर कैट फॉर बॉल सी है सी. देन हमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसी के हिसाब से सारी चीजों को एडजस्ट कर लेंगे. हमें ए पॉजिटिव चाहिए, ए को हमने नहीं रखा. बी हमें पॉजिटिव चाहिए लेकिन नेगेटिव है तो हम उसे इक्वल्स के इधर ले आएंगे और वो पॉजिटिव हो जाएगा. सी हमें पॉजिटिव चाहिए लेकिन नेगेटिव है तो उसको भी इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो वो भी पॉजिटिव का हो जाएगा. ए हमें नेगेटिव चाहिए लेकिन पॉजिटिव का है तो इसको भी इक्वल्स के इधर ले आएंगे और ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा. ठीक है, समझ आई इतनी बात सबको? और टू ए भी इधर आ जाएगा जो कि है माइनस. तो आंसर हमारे पास ये आएगा. बताइए अभी क्वेश्चन सबको क्लियर है? सही प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए. रिप्लाई कीजिए. क्लियर है मैम? क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ पी इक्वल्स टू पी हमें दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई. क्यू हमें दे रखा है वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. पी हमें इतना दे रखा है, क्यू इतना दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है देन वन अपॉन p माइनस क्यू माइनस का टू क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ट्राई कीजिए इसे. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ट्राई कीजिए. हम देन के आगे नहीं दिख रहा है. किसके आगे नहीं दिख रहा? देन के नो में दिख रहा. एक मिनट में बताती हूँ. लिखिए p इक्वल्स टू दे रखा है x अपॉन x प्लस वाई. p दे रखा है x अपॉन x प्लस वाई. q दे रखा है y अपॉन x प्लस वाई. हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन p माइनस q माइनस का 2q अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. मैम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे या सिंपली नहीं पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू करके इजी पड़ेगा क्वेश्चन. ओके मैम. चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्वेश्चन. हमें ये पार्ट हम सबको पहले सिंपल कर लेते हैं इस पार्ट को क्योंकि इसमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे रखा है. इसको फॉर्मूला खोल के सिंपल बना लेते हैं. वन अपॉन पी माइनस क्यू माइनस का टू क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. ये हमें गिवन है. ठीक, हमें पहले ही पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस.
ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये इसी फॉर्म में दे रखा है, इसको खोल लेंगे। वन अपॉन पी माइनस यू माइनस डब्ल्यू अपॉन, इसको खोल लेंगे, पी प्लस क्यू पी माइनस, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला खोला, कुछ नहीं करा अभी। मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, दोनों को मैं बाहर ले लूँ, ठीक? वन अपॉन p माइनस क्यू को मैंने बाहर ले लिया, सिंपली बाहर लिया, कुछ नहीं करा। यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ वन बचा माइनस, यहाँ ऊपर टू क्यू बचा और अपॉन में p प्लस क्यू बचा। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन पी माइनस क्यू, एलसीएम ले लेंगे, पी प्लस क्यू ही एलसीएम आएगा क्योंकि यहाँ अपॉन में वन, पी प्लस क्यू ही एलसीएम रहेगा। जैसे डिवाइड वन डिवाइड बाय पी प्लस क्यू आएगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू। मैंने बताया था जब नीचे का ये और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली डिजिट एज इट इज अलग है, माइनस का साइन, ठीक? इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वन माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, यहां से देख सकते हैं आप ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस, p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है, कैंसिल, वन अपॉन p प्लस क्यू वैल्यू आ गई, वन अपॉन p प्लस क्यू। अब वन अपॉन p प्लस क्यू में वैल्यू पुट करिए p की और q की और फटाफट से आंसर बताइए। ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? इतना रिप्लाई कीजिए या मैं ये भी पार्ट बता दूं आपका? यस मैम, यस मैम, ट्राई करेंगे। ठीक है करिए फटाफट। मैम वन आया? हाँ 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 वन आ रहा है, वन इज द राइट आंसर। ओके यस मैम, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कट के वन हो जाएगा। हाँ 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 यही आंसर यही है। देखिए कैसे करेंगे इसको, वन अपॉन पी प्लस क्यू दे रखा है, वन अपॉन पी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस क्यू, वन अपॉन सॉरी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था, ये पार्ट क्या आ गई थी सॉल्यूशन, याद हो शायद आप लोगों को। वही सेम एलसीएम ले लेंगे, तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, वाई प्लस एक्स कट होके वन आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस यस मैम। ठीक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ रूट टू प्लस वन का होल क्यूब, गिवन है हमें ए प्लस बी रूट टू के बराबर, इतना हमें गिवन है, देन हमसे पूछा जा रहा है इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए एंड बी की वैल्यू क्या आएगी, ए एंड बी की वैल्यू बताइए इसको सॉल्व कर, ए की एंड बी की वैल्यू खोल लीजिए, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस, सिंपल फॉर्मूला लगा के खोलिए सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से ए और बी की वैल्यू बताइए।
कर रहे हैं आप लोग सॉल्व, या मैं बताऊं आगे का सॉल्यूशन? प्लीज रिप्लाई मैम, हाफ हुआ है। चलिए चलिए पूरा ट्राई कीजिए। ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 2 आएगी। नहीं ये गलत आ रहा है आपका। चलिए मैं बताती हूँ, चलिए मैं बताती हूँ। फॉर्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी जो कि हमें दे रखा है ए प्लस बी रूट 2 के बराबर। ठीक, कुछ नहीं करा इसमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है जो मैंने आपको बताया। रूट 2 हमें 3 बार दे रखा है, रूट 2 अगर हम 3 बार लिखते हैं तो देखिए कैसे आएगा। इस तरह से लिखेंगे, रूट 2 के 3 बार मल्टीप्लाई होंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा। ये तो आपको पता होगा, रूट और रूट 2 बन जाएगा क्योंकि ये हाफ और हाफ मिलकर बन बनते हैं, तो ये 2 हो गया, 2 रूट 2। यस मैम। ठीक है, तो ये इसका आंसर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। रूट 2 का क्यूब जो होगा वो 2 रूट 2 आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों आएगा 2 रूट 2, ये आ जाएगा 2 रूट 1 का क्यूब 1 रहेगा, ये 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2 प्लस रूट प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इस ब्रैकेट में, ये तो एस एस रहेगा, 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेम रूट 2 1 बन जाएगा जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डॉट, यानी कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे, और फिर 3 रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 रूट 2 भी रहेगा equals to a plus b root। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? यस मैम आ गया। टू प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 3 root 2 is equals to a plus b root, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि रूट टू है दोनों में, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 रूट 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 ए प्लस बी रूट। एंड में हमारे पास ये इक्वेशन बने, इस तरह से ये इक्वेशन बने। ठीक, अब सिंपल है, हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए बी रूट 2 और 5 रूट 2 बराबर हो जाए क्योंकि दोनों में रूट 2 है, कंपेयर करा है यहाँ पे हमने, कुछ इसको कंपेयरिंग कहते हैं जब दो इक्वेशन में एक जैसी वैल्यू, एक जैसी नहीं मतलब यहाँ a है तो a को इससे कंपेयर कर लेंगे, b रूट 2 को 5 रूट 2 से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 7 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि रूट 2 दोनों में है जो कि कट जाएगा। कंपेयर करा है हमने दोनों को, कंपेयरिंग द इक्वेशन, यहां हम लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 7 एंड b रूट 2 इक्वल्स टू 5 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। बताइए सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Thank you.
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, देन एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या होगी, निकालिए निकालिए इसका आंसर। ऑप्शन दे रखे हैं जीरो, वन और टू एंड माइनस वन, ट्राई कीजिए। एक्स की वैल्यू निकाल के सिंपल इक्वेशन में पुट करनी है। कर रहे हैं ना आप लोग ट्राई? यस यस मैम, मैम ग्रेट मैम, ठीक है ठीक है, यस मैम। चलिए मैं बताती हूँ, हुआ किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या? चलिए देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है हमें अंडर रूट के साथ, यानी कि ये जो है इसको अंडर रूट कहते हैं, अंडर रूट के साथ, तो एक मेथड होता है उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि कैसे अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस वन दे रखा है अपॉन में रूट थ्री माइनस वन। तो रेशनलाइजेशन में ये होता है, इसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसके इनवर्स के साथ, इनवर्स यानी कि जहां माइनस है वहां प्लस कर दो और मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, इनवर्स अपॉन रूट थ्री। सिंपल हम मल्टीप्लाई जैसे हम करते आए, पहले रूट थ्री के साथ थ्री हो जाएगा, रूट थ्री की वन के साथ रूट थ्री हो जाएगा, प्लस वन की रूट थ्री के साथ रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री की रूट थ्री के साथ थ्री, रूट थ्री की वन के साथ रूट थ्री, माइनस वन की रूट थ्री के साथ माइनस रूट थ्री, और माइनस वन माइनस वन माइनस वन। इतना क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई। इतना क्लियर है? यस मैम क्लियर है। यस रूट थ्री यहाँ प्लस का है या माइनस का है? मैडम व्हाइट बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। किसी को ये पूरा नहीं आ रहा क्या? मैम पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। लेफ्ट साइड को थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अब देखिए। हाँ हाँ मैम हो गया। देखिए
तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री, रूट थ्री और रूट थ्री का प्लस करा तो टू रूट थ्री हो गया और थ्री प्लस वन फोर, नीचे बचा थ्री माइनस वन दैट इज टू। इतना समझ आया सबको वैल्यू कैसे निकली? यस मैम। अब हम ऊपर से देखिए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ फोर है टू है, टू को बाहर निकाल लो ऊपर से, टू कॉमन ले लिया, जैसे ही टू कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, टू बचेगा और यहाँ पे रूट थ्री अपॉन में टू, जिससे टू से ये टू कट जाएगा, वैल्यू ये आएगी। अब ये देखिए ये क्लियर है एक्स की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री कैसे आई, सबको क्लियर हुआ? रिप्लाई कीजिए। Yes, ma'am. Next. ठीक है ठीक है, अब यही जो x की वैल्यू आई है इसको हम सिंपली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ट्राई कीजिए फटाफट से इसको x में पुट कीजिए, 2 प्लस रूट थ्री को इसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू है 2 प्लस रूट थ्री, फटाफट से पुट करके आंसर बताइए। 2 प्लस रूट थ्री, मैम एक आया वन। हाँ हाँ राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर। देखिए कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री क्वेश्चन में पुट कर देंगे, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फोर टू प्लस रूट थ्री प्लस ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ए स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर फोर, इसका स्क्वायर थ्री प्लस टू ए बी यानी कि फोर रूट थ्री माइनस एट और माइनस का फोर रूट थ्री प्लस टू, फोर रूट थ्री से फोर रूट थ्री कटा, यहाँ कितना बचेगा बताइए जल्दी से, फोर प्लस थ्री सेवन माइनस का और प्लस का, यहाँ से आ जाएगा सेवन माइनस एट माइनस वन प्लस टू, आंसर इज वन। अब बताइए सबको क्लियर हुआ कैसे निकला क्वेश्चन, जिसको प्रॉब्लम है प्लीज बताइए। मैम आपकी पिक दिखा दे रही है, नहीं दिखा दे रही आपकी पिक, मैम बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है, एक मिनट एक सबको देख रही है स्क्रीन, प्लीज देख के बताइए। नो मैम, नो मैम, मैम मैम माइनस हेलो आप बताइए स्क्रीन दिख रही है सबको कि नहीं, मैम ब्लर दिख रही है, बहुत ब्लर आ रही है, किसी को क्लियर दिख रही है या नहीं प्लीज रिप्लाई कीजिए। नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैम क्लियर नहीं दिख रही है। अब बताइए, अब देखिए या अब भी